उन सारे विषयों पर, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, चाहे पराली का हो, चाहे एफआईआर का हो, ऐसे जितने भी विषय हैं सब पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कितना नीचे सभी विषयों पर, सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चर्चा के माध्यम से ही हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब मीटिंग होती है तो बताना होता है कि कितनी यूनियन आएंगे, कौन कौन से नेता आएंगे, किस तरह एक पूरा ब्लूप्रिंट पंजाब पुलिस की तरफ से तैयार होता है। जो भी चार दौर की मीटिंग हुई है उससे पहले 3-4 घंटे मीटिंग जो है वो पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की रही है। तो पिछली बार 14 नेता गए थे, उससे पहले 17 नेता जो है वो गए थे, तो इस बार कितने 14 नेता जाएंगे, 17 नेता जाएंगे या ज्यादा नेता जाएंगे, वो पूरा ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है। और दूसरा ये है कि केंद्र एक सेकंड चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद का हो, चाहे एफआईआर का हो, ऐसे जितने भी हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है, और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखें। और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। पांचवें दौर की बातचीत, आपने कहा कि किसानों से आप करने के लिए तैयार हैं, पांचवें दौर की क्या उन लोगों की तरफ से कोई ऑफर आया है कि कब बातचीत करना चाहते हैं? अभी तक ऐसा कोई सूचना आई नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि पांचवी दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान के दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। शंभू बॉर्डर तो इस समय की बड़ी खबर तुम दस रहे हैं, उत्थे हंझू गैस की गोलियां का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, किसानों को रोकने के लिए किसान अगे कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस विचाले शंभू बॉर्डर के उत्ते स्थिति एक वक्रे तरीके की बनती हुई नजर आ रही है। हरियाणा वाले पासे किसान अगे जाना चाहते हैं, हरियाणा होके ही दिल्ली पहुंचा जा सकता है, पर दूजे पासे जिहड़े शंभू बॉर्डर के उत्ते किसान जथेबंदियों के आगू अगे वधना चाहते हैं, उन्होंने हरियाणा प्रशासन के वलों रोकया जा रहा है। और इस रोकण के विचाले सब तो पहला हथियार उन्होंने यही है कि हंझू गैस के गोलियां का इस्तेमाल करते हैं, और कोई एक दो नहीं बल्कि सैकड़े ही हंझू गैस के गोलियां का इस्तेमाल किया जाता है। आप 13 फरवरी में तस्वीर देखिया ने जो हंझू गैस के गोलियां का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी वजह के नाल किसान अगे वधन तो भी रोकण के कामयाब हरियाणा का प्रशासन रहा है। तो अज की तस्वीर की होएगी उसके उत्ते नजर आने, 4 तस्वीर फिलहाल तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते, एक पासे हंझू गैस के जो गोलियां का इस्तेमाल किया गया उसकी तस्वीर है, और उत्थे जिहड़े किसान वड्डी गिणती दे विच डटे हुए ने वो नजर आ रहे हैं, और एक तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं कि जिहड़ी उत्थे गट्टे लियांदे गए सी, बोरियां भर के मिट्टी दीआं लियांदीआं गईआं सी, उहनां दा भी इस्तेमाल हुण किया जाएगा, वह भी कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने अगे किवें लैके जाणगे किसान, अगे लैके कित्थे जांदे ने, कोई रैंप बनाया जांदा है या फिर किवें इहनां दा इस्तेमाल किया जांदा, उस ते नजर रहेगी। इस समय की जानकारी मैं अपने दर्शकों तक पहुँचा रहा कि जिहड़े शंभू बॉर्डर के उत्ते किसान ने वो डटे हुए ने और अगे वधना चाहते हैं, फिलहाल रोकने की कोशिश है, अपीलां ने, अनाउंसमेंट है, दूजे पासे सख्ती का भी
एक जिक्र किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, पर बावजूद इसके प्रदर्शनकारी अगे बढ़ना चाहते हैं तो अगे जाके दिल्ली वाले पास जाना चाहते हैं, केंद्र की सरकार तक अपनियां मंगां नूं पहुंचाने की कोशिश है। खैर शंभू ते प्रदर्शन है, हुण शंभू तो अगे वध्या जांदा है या नहीं वह देखना होएगा, क्योंकि तैयारियां तो दोवें पासे खूब कीतियां गईयां ने और 13 फरवरी भी किसान अगे वधण की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उस दिन अगे नहीं वध सके तो उत्थे ही उन्होंने वल्लों पिछले एक हफ्ते तो मोर्चा लगाया गया। 13 तो 21 तक दो गेट की मीटिंग दो बारी हो चुकी है, 4 बैठक हुई ने हुण तक। पहली बैठक हो गई सी 8 तरीक नूं जदों मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उस बैठक द इनिशिएटिव लेंदे हुए एक तरीके नाल अगवाई की विचौलगी की और उस तो बाद अगे वो वधे, उस तो बाद हालांकि मीटिंग अगे तो जरूर वधे सी पर मीटिंग दे विच निकलिया कुछ नहीं। पहले दिन की मीटिंग तो बाद कहा गया कि एक पॉजिटिव नोट के उत्ते मीटिंग हुई है, तो उस तो बाद दूजे गेट की बैठक हुई 12 तरीक नूं जदों 13 नूं दिल्ली कूच होना सी, 12 तरीक वाली मीटिंग तो बहुत सारिया उम्मीदां सी पर गल नहीं बनी। फिर उस तो बाद 15 तरीक नूं मीटिंग हुंदी है, उत्थे भी गल नहीं बनी, तो फिर एक 18 तरीक नूं मीटिंग हुई है, एतवार लंघे एतवार मीटिंग हुई, उस मीटिंग दे विच जिहड़ा जथेबंदियां नूं एक प्रपोजल दिता गया सी केंद्र की सरकार दे वल्लों, वह प्रपोजल जथेबंदियां ने रद्द कर दिता ते कहा कि सानूं तां लीगल गरंटी ही चाहीदी है MSP दे उत्ते, तो उस गरंटी की मंग को लेकर हुण किसान दिल्ली कूच करन दा ऐलान ऑलरेडी कर चुके ने। 13 तरीक का दिन और इस समय शंभू बॉर्डर तो तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, हंजू गैस की गोलियां का बेशक इस्तेमाल होया है पर यह भी तुहानूं दस दिए कि अजे जिहड़े वड्डे लीडर ने उन्होंने अगे वधण दा कूच दा ऐलान नहीं किया है, जिहड़े जथेबंदियां दे आगू ने ऑलरेडी कुछ पहुँच गए थे उत्थे प्रदर्शनकारी और इस समय मिट्टी दीआं जिहड़ीआं गट्टे भर के लिआंदे सी उन्होंने सुनेहा होने तो बाद आखिर मौजूदा हालात की ने, मौजूदा तस्वीर की है, क्योंकि किसान भी लगातार कहते आ रहे हैं कि असी गलबात राही मसला हल करना चाहते हैं, साड़ी कोई लड़ाई नहीं है, असी टकराव नहीं चाहते। दूजे पासे सरकार कहती है कि गलबात राही मसले का हल कढ लिया जाए तो सरकार कहती है कि असी गलबात लई तैयार हाँ, दोनों धिर जो गलबात लई तैयार ने तो ऐसे दे विच की मसले का हल निकलेगा, की तनाव ते टकराव तो बचा जा सकेगा। तस्वीर तुहानू शंभू बैरियर दी दिखा रहे हैं जिथे ये तुहानू नजर आ रहा है, ये किसान नजर आ रहे हैं, इन्हां दे विच नौजवान किसान ने, बुजुर्ग किसान ने, बीबिया ने, हालांकि तैयारी पूरी है, मास्क पाए हुए ने, अथरु गैस तो बचन दे लई प्रबंध किए हुए ने, हर तरह ट्रैक्टरों जिस तरह अभी गल की कि बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बना ले गए ने, JCB मशीना खड़िया ने, पोकलन मशीना खड़िया ने और ये तस्वीर तुहाडे सामने किसानी घोल दिया नजर आ रही ने। और दूजे पासे हरियाणा वाले पासे बैरियर वाले पासे की तस्वीर है, बैरियर वाले पासे भी फिलहाल शांति है, क्योंकि गलबात का सुनेहा होने तो बाद मीटिंग की जा रही है, नौजवान किसानों नू रोकया गया कि अगे वधण तो बचा जाए, विरोध किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि लड़ाई साड़ी हक की है, मंगा की है, टकराव की नहीं है, तो इस टकराव नू रोकण दे लई दोनों पासों पूरी कोशिशां जारी ने। हालांकि थोड़ी देर पहला जो तो कुछ नौजवान अगे वधे ने अथरू गैस दे कुछ गोले सुट्टे गए, पर उस तो बाद फिर तो किसान आगुआ ने एक सुनेहा दिता, समझाया गया तो नौजवान किसानों नू रोकया गया, फिलहाल शांति वाला माहौल तुहानू नजर आएगा। बेशक एक वड्डा इकट्ठ है, बेशक वड्डी गिणती दे विच हत्थां दे विच किसानी झंडे फड़ी किसान तुहानू नजर आउणगे, पर फिलहाल ये तस्वीर तुहाडे सामने है कि इस वेले हालात की ने बैरियर दे, ये शंभू बैरियर की तस्वीर, अगे दे की हालात ने, तुहानू करीब 150 मीटर का जिहड़ा ये रकबा है, करीब 150 मीटर का यह वकफा, इसनू तुसीं देख पाओगे कि यह पूरी तरह शांत है, इतने कोई भी व्यक्ति कोई भी शख्स तुहानू नजर नहीं आएगा। और एक होर तस्वीर, ये जिहड़े किसान ने प्रबंधक के तौर पर रोक रहे ने, जिहड़े किसान अगे जाने की कोशिश करते हैं उन्होंने एक कमेटी बना के कुछ नौजवानों दी जिम्मेवारियां लाई गई ने, वो उन्होंने पिछे करते हैं कि भाई अगे जाने तो बचा जाए, क्योंकि हले गलबात का दौर जारी है और जे गलबात राही मसले का हल हुंदा तो फिर टकराव की जरूरत नहीं है, टकराव तो बचा जाना चाहिए। तुम देखो ये बुजुर्ग किसान ने, बुजुर्ग किसान चाहे बुजुर्ग ने चाहे नौजवान ने सारे इस वेले इत्थे मौजूद ने, तो यह लगातार वीर होनी फिर की सुनेहा दे रहे हो नौजवानों हले समझाने की कोशिश की जा रही है, जिनी देर मंच तो सुनेहा नहीं आता।
हाँ जी सर हाले जथेबंदियां कहणगियां आपां उद्दां करांगे जी हाले फिलहाल आप शांत मीन जावांगे अगे ते जिहड़े नौजवान अगे आ रहे ने उन्हां नूं तुसीं किवें समझा के पिछे भेज रहे हो सर हम तो आप कह रहे हैं कि हाले अगे ना जाओ जिहड़ा जथेबंदियां कहणगियां असीं उस तरह करांगे जोश के नाल होश की जरूरत है जिथे नौजवान ने नौजवान का जोश है उत्थे किसान आगुआ का होश है तो उन्होंने स्नेह की यह जथेबंदियों के वलों तैनात किए गए वलंटियर ने जिन्हों की जिम्मेवारी है कि भाई इतों अगे कोई ना लंघे इस तो अगे कोई ना लंघे आ देखो स्नेहा दिता जा रहा वीर होनी स्नेहा दे रहे ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਸ ਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 150-200 meters ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰੋਨ ਆਏ ਕੁਝ ਅਥਰੂ ਗਏ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ